Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. I am Adil Yusufzai and today we are starting our new topic noise pollution and this belong to chapter number 11 sound of physics class 10th. तो साउंड को सबसे पहले समझ लेते हैं. साउंड असल में हमने पिछले टॉपिक में कवर किया हुआ है. साउंड आपके पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है. और कब जाती है? जब आपके पास वाइब्रेशन हो. वाइब्रेशन की वजह से डिस्टर्बेंस होती है और डिस्टर्बेंस की वजह से एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है. अब देखें, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स डिफरेंट एरिया में सुनाई देते हैं. तो कुछ साउंड ऐसे होते हैं कि जो आपको अच्छा फील कराते हैं और कुछ साउंड ऐसे होते हैं कि जो आपको बुरा फील कराते हैं. तो उसमें से मैं यहाँ पर दो कैटेगरीज बनाऊंगा स्टूडेंट्स. सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि हम समझ लेते हैं म्यूजिक को कि व्हाट इज म्यूजिक. तो स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो हम पर अच्छा इफेक्ट डालते हैं, हमें वो अच्छा फील होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूजिक का नाम देते हैं. सो हम सिंपली बोल देंगे द साउंड्स. तो आपके पास ऐसी आवाज़ जो आपको अच्छा फील कराती है, आपको तंग नहीं होने देती, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूजिक. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं म्यूज़िक की आपको एग्जांपल्स बताऊं तो आप डेली लाइफ में जो म्यूज़िक शोज़ वगैरह देखते हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छे म्यूज़िक वगैरह सुनाई देते हैं. सिमिलरली अगर आप कोई नात वगैरह सुन रहे हैं या आप अजान वगैरह सुन रहे हैं तो अजान भी काफ़ी अच्छी खूबसूरत आवाज़ में आपको सुनाई देती है, तो वो आपको अच्छा फील करा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूज़िक बोलते हैं. तो ये आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज आप शुमार कर सकते हैं म्यूज़िक के बीच में. अब हम बात कर लेते हैं नॉइज़ की, जो आपको बुरा फील कराता. तो हम यहाँ पर बात करते हैं नॉइज़ की, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या है? नॉइज़ है. तो स्टूडेंट्स, नॉइज आपके पास एक साउंड की ऐसी कैटेगरी या ऐसी टाइप है जो आपको क्या करती है? द साउंड, द टाइप ऑफ साउंड भी आप लिख सकते हैं, दस बोलते हैं. ऐसी आवाज़ जो आपको बुरी फील हो रही हो, आपको अच्छी महसूस ना हो रही हो, आपके कानों को अच्छी ना लग रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉइज़ बोलते हैं. अब नॉइज़ में आपके पास काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं. एग्जांपल्स में आपके पास काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं. आप ले सकते हैं कि रोड के ऊपर अगर कोई गाड़ियाँ चल रही हैं, मूविंग कार्स, उनके हॉर्न्स वगैरह, लेट सपोज. सिमिलरली आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई मशीनरीज वगैरह चल रही है, आपके पास ड्रिल मशीन में ले लेता हूं, आपने सिमिलरली नोट किया होगा अक्सर जब लोहार जो है वो जब कहीं काम करता है, वेल्डिंग वगैरह करता है, उसकी जो आवाज़ होती है वो भी काफ़ी बंदे को बुरी फील होती है. सिमिलरली अगर कोई बच्चे क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम सिंपली नॉइज़ कहते हैं, अनप्लेजेंट इफेक्ट आपके पास वो डाल रहे, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? नॉइज़ ही बोलते हैं स्टूडेंट्स. सिमिलरली आपने नोट किया स्टूडेंट्स के अक्सर दरवाजे को जब बहुत तेजी से बंद किया जाता है, मतलब स्लैमिंग डोर जब आप दरवाजे को बहुत तेजी से बंद करते हैं, बहुत फोर्स लगा के बंद करते हैं, उससे जो आवाज़ आती है, सारी चीज़ें ऐसी कि जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉइज़ बोलते हैं. अब स्टूडेंट्स, नॉइज़ आपके पास एक ऐसा साउंड है जिसकी वेव फॉर्म आपके पास क्या आती है? काफ़ी इररेगुलर बिहेवियर होता है इसका, सही है. आपने यहाँ पर यह नोट करना है कि ये काफ़ी इररेगुलर होता है, इररेगुलर होता है. और साथ ही साथ आप ये भी नोट कर सकते हैं कि आपके पास इस टाइप की जो आवाज़ है वो क्या होती है? सडन होती है. सडन चेंजेस इसमें आ सकती हैं. अब ये स्मूथ नहीं होता, जबकि म्यूज़िक आपके पास काफ़ी स्मूथ होता है और वो रेगुलर होता है. आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये रेगुलर होता है और ये इररेगुलर होता है. ये आपके पास प्लेजेंट होता है, ये आपके पास अनप्लेजेंट, ये आपके पास बिल्कुल स्मूथली चल रहा होता है, आपके पास सडन चेंजेस इसमें आ रही होती हैं. तो आपके पास इन दोनों में डिफरेंस है. नाउ स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ नॉइज़ आपके पास किन किन चीज़ों पर आप डिटेक्ट कर सकते हैं, किस आवाज़ को आप बोलेंगे कि आपके पास नॉइज़ में शामिल किया जाएगा? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक आपके पास इसको आप बोल सकते हैं कि ऐसी आवाज़ इंटेंसिटी की बेस पर जिसकी इंटेंसिटी 85 to 90 डेसिबल से इंक्रीज कर जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं कि वो आपके पास क्या है? नॉइज़ में शुमार किया जाएगा. और दूसरा आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू नॉइज, मतलब आप एक आवाज़ एक साउंड में जितनी देर तक रहेंगे उतना ही इफेक्ट आपका उसके ऊपर ज़्यादा होगा. और स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि नॉइज़ आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी नहीं है, बल्कि आपके पास क्या है? सब्जेक्टिव क्वांटिटी है. सब्जेक्टिव क्वांटिटी का मतलब ये है कि ये पर्सन टू पर्सन क्या होता है? वेरी करता है. लेट सपोज मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, एक ऐसी एग्जाम्पल कि देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आवाज़ मुझे बुरी लग रही होगी, मतलब वो मेरे लिए क्या होगा? वो साउंड मेरे लिए क्या होगा? नॉइज़. लेकिन मेरे साथ ही एक पर्सन, उसके लिए वो क्या होगा? म्यूज़िक होगा. एग्जांपल के तौर पर नोबिता वाले कार्टून सबने देखे हैं, डोरेमोन में एक करेक्टर होता है जियान. अब जियान को अपनी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, लाइक
तो देखिए, आपने नोट किया कि जियान को अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन नोबिता, शिज़ुका, ड्यूगीसुगी और सोनियो, इन सब को इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। उसके लिए, उन सब के लिए जियान की आवाज़ क्या है? नॉइज़ है। जबकि जियान को अपनी आवाज़ क्या लगती है? म्यूज़िक लगती है। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि जो नॉइज़ है ये आपके पास पर्सन टू पर्सन क्या होता है? वेरी करता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, चेंज होती रहती है, सही है उसके लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हो सकते हैं, किसकी वजह से? नॉइज़ की वजह से। इसमें आपके पास सबसे पहले है हेयरिंग लॉस। अगर एक पर्सन ज़्यादा ऊंची आवाज़ को सुनता है, लेट सपोज मैं फुल म्यूज़िक लगा के, मतलब फुल लाउडनेस पर म्यूज़िक को लगा लेता हूँ अपने कानों में, उस टाइम पे तो टेम्प्रेरी तौर पर मेरे लिए वो म्यूज़िक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद पीरियड ऑफ एक्सपोजर जैसे उसका ज़्यादा होता जाएगा, तो इट विल बिकम अ नॉइज़, और ये मेरी हेयरिंग कैपेबिलिटी को क्या कर सकता है? लॉस कर सकता है। सिमिलरली, आप जब ज़्यादा नॉइज़ वगैरह में रहते हैं तो आपकी स्लीपिंग भी डिस्टर्ब हो सकती है, एग्रेशन भी होता है। जहाँ पर शोर वोल ज़्यादा होता है वहाँ का इंसान, वहाँ पर जो इंसान होता है काफ़ी चिड़चिड़ा टाइप हो जाता है। हाइपरटेंशन, इंसान को समझ नहीं आती सही तरीके से कि वो क्या डिसीजन ले रहा है, क्या डिसीजन नहीं ले रहा। और साथ ही साथ आपके पास एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। लेट सपोज आप ड्राइविंग कर रहे हैं और साथ ही से एक ट्रक गुजरता है और वो हॉर्न, फुल हॉर्न देता हुआ जाता है, तो लाजिमी बात है एक नॉर्मल पर्सन घबरा जाता है और वो हैबत में आके एक्सीडेंट्स वगैरह उससे हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसका मतलब यह है कि नॉइज़ काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। अब इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके अख्तियार करते हैं, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास एक और टॉपिक है, उसका नाम हमारे पास है ये 11.5, द नॉइज़ पोल्यूशन। और इस नॉइज़ पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, अच्छा नॉइज़ पोल्यूशन को आप ओवरऑल कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, जो भी पोल्यूशन आपके पास, ऐसी जो भी चीज़ आपके एनवायरनमेंट में बिगाड़ पैदा करे और उसका इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। अब नॉइज़ की वजह से अगर आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉइज़ पोल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर आपके पास एक और टॉपिक आ जाता है, उसको भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक और टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक। तो देखिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने नॉइज़ पोल्यूशन को क्या करना है? ख़त्म करना है। तो नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म मैं नहीं बोलूँगा, रिड्यूस करने के लिए हम जो मेथड्स अडॉप्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। तो लुक स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, ये है मेथड्स टू रिड्यूस, या मेथड्स और टेक्निक्स यूज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइज बाय यूजिंग पोरस सर्फिसेज इज कॉल्ड एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप अगर नॉइज़ को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक प्रोटेक्शन बोलते हैं, और वो भी किसके ज़रिए? पोरस सर्फेसेस। देखें, अब पोरस सर्फेस मैंने यहाँ पर क्यों यूज़ किया? देखिए, नॉइज़ को इनक्रीज़ करने वाली एक और भी चीज़ है, और वो पता है क्या आपके पास? तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन भी आपके पास एक ऐसा कॉज है जिसकी वजह से जो नॉइज़ है वो इंक्रीज होता है। हम यहाँ पर बोलते हैं रिफ्लेक्शन इज़ द कॉज which is responsible in increasing noise। समझ आ गई स्टूडेंट्स? तो आप यहां पर क्या करेंगे कि जो रिफ्लेक्शन जहां पर भी हो रही है उसको हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन कब होती है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन तभी होती है जब आपके पास हार्ड सर्फेसिस यूज की जाती हैं और बिग सर्फिसज यूज़ की जाती हैं। तो जब भी एक आवाज़ जाके एक हार्ड सर्फिस पर जाके टकराएगी एक मीडियम से सेकेंड मीडियम की सर्फिस पर, सो वहाँ से क्या होती है? रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो अगर मैं यहाँ पर हार्ड सर्फिस की जगह सॉफ्ट सर्फिस या पोरस सर्फिस यूज़ करूँ तो क्या यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी? नो स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? पोरस सर्फिसज यूज़ करते हैं और आपके पास जो आवाज़ टकरा के वापस आ रही है या रिवर्बरेशन हो रही है तो वो नहीं होगी। तो हम सिंपली बोलेंगे कि हम यहाँ पर एकॉस्टिक्स यूज़ करते हैं। एकॉस्टिक्स आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं? पोरस सर्फिसेज, पोरस सर्फिसेज। अब पोरस सर्फिसेज में आपके पास क्या आ सकते हैं स्टूडेंट्स? पोरस सर्फिस में आप क्या यूज़ कर सकते हैं? कर्टन्स यूज़ कर सकते हैं। कर्टन्स में आपके पास जितने पर्दे हैं वो आ सकते हैं। कारपेट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। घरों में आप अगर कारपेट्स वगैरह लगा दें, उसी तरीके से सीलिंग्स वगैरह जो होती है स्टूडेंट्स, जो छतों की सीलिंग होती है वो आप कर लें। और सिमिलरली आप कमरे का डिज़ाइन ऐसा बनाएं कि आपके पास जो रिफ्लेक्शन है वो कम से कम हो। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? फर्नीचर। आपने नोट किया होगा स्टूडेंट्स कि अक्सर जब आपके रूम में
फर्नीचर पड़ा होता है तो आपको रिफ्लेक्शन नहीं फील होती, लेकिन जैसे ही आप उस रूम से फर्नीचर हटा देते हैं, आपने अक्सर पेंट या कलर वगैरह करना होता है, तो आपको फील होता है कि इस रूम में क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर तरीके से या इको वगैरह प्रोड्यूस हो रही है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास काफ़ी शॉर्ट इंट्रोडक्शन था इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक आपके पास क्या है, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, जब आप एकॉस्टिक लगाते हैं, तो इसकी वजह से आपके पास जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है और आपको क्लियर एंड कट आवाज़ आती है स्टूडेंट्स। क्लियर, थैंक यू।